नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में बार बारिश के कहर से सभी इस वक्त परेशान हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से सभी हैरान हैं। रेगिस्तान में पानी के सैलाब की तस्वीरें सुर्खियां बन रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बार बारिश की चपेट में है। उत्तर भारत के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है और हर दिन बारिश रिकॉर्ड बना रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों अचानक पूरा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गया? यह मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश भी करूंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया की परेशानी की वजह बना हुआ है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लड़खड़ा रही है। ऐसे में 24 अगस्त की तारीख सबकी धड़कनें बढ़ा रही है। आशंका यह है कि रूस 24 अगस्त के दिन अपना हमला और ज्यादा तेज कर देगा। अगस्त को यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आजादी दिवस के दिन रूस यूक्रेन को कभी ना भूलने वाला जख्म देना चाहता है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त की बेटी डारिया की हत्या का बदला भी लेना चाहता है। उधर चीन ताइवान के बीच तनातनी कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार विदेशी राजनयिकों का ताइवान चीन दौरा भड़का रहा है। चीन के दर्जनों लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे हैं और चीन ने अपने जंगी जहाजों को भी ताइवान के पास और ज्यादा तैनात किया हुआ है। उधर ताइवान भी अपनी तैयारी में जुट गया है। ताइवान ने वायुसेना और नौसेना की सीमा पर तैनात कर दिया है, अपने मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड पर भी रख दिया है और चीन का जवाब देने के लिए इस वक्त ताइवान तना हुआ है। ताइवान के पीछे जापान अमेरिका भी तैनात है। यानी चीन ताइवान तनातनी का क्या आज का अपडेट है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तर भारत में बार बारिश का कहर लगातार जारी है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे तीन बड़े राज्यों में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। कई जिले बाढ़ की परेशानी झेल रहे हैं। इलाके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राज्य सरकारें इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। मैं स्क्रीन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि तीन कौन से वो राज्य हैं। जरा देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीनों स्टेट में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी इस समय दी गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जैसे इलाकों में, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त पानी की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजस्थान के कई जिले बार बारिश की वजह से परेशान हैं। रेगिस्तान में पानी का सैलाब सबको हैरान कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक आज उत्तर भारत के कई देशों में, कई प्रदेशों में, जिलों में जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहूंगा। उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बारा, यानी आसपास के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि राजसमंद, नागौर, जोधपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इस बारिश की वजह से लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई महीने में राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। 66 वर्षों में पहली बार राजस्थान में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। अगस्त के महीने में भी नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मंगलवार सुबह झालावाड़ जिले में डग में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और डग में 24 घंटे में करीब 12 इंच की बारिश हुई है। ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये राजस्थान के हैं। वहीं राजस्थान के मौसम में आए बदलाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर नया गहरा दबाव का क्षेत्र इस समय बनकर पश्चिमी उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके असर से कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में जबरदस्त बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। और भारी बारिश की वजह से राजस्थान की काली सिंध, चंबल, पार्वती समेत कई नदियां इस समय उफान पर हैं। ये राजस्थान का हाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कमोवेश ऐसा ही हाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश बार का कहर देखने को मिल रहा है। वहां की तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की लगातार जारी है। सूबे में करीब 16 जिलों में बारिश से प्रभावित बाढ़ इलाकों में ज्यादा हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। नर्मदापुरम, विदिशा, गुना, भोपाल, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। मंगलवार से गुना के जीरापुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जहां पर 294 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश की नर्मदा, पार्वती, बेतावा सहित अन्य नदी इस वक्त उफान पर बनी हुई है। तो ये बार का हाल है मध्य प्रदेश का। अब मैं उसके बाद उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कासगंज, कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर में संकट इस समय बना हुआ है। अब तक 40 से ज्यादा जिले भारी बारिश की वजह से इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं, जिनमें नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ का खतरा इन जिलों में मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, वरुणा नदियों की बात करें, सारी नदियां इस वक्त उफान पर बनी हुई हैं और हालात तीनों राज्यों में बद से बदतर बने हुए हैं। देश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ की, जल भराव की वजह से परेशानी से जूझ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की वजह से परेशान हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परेशानी की वजह कुछ प्राकृतिक कहर भी है तो कुछ प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। उम्मीद से ज्यादा बारिश और उम्मीद से कम एक्टिव प्रशासन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, जिसके चलते इन तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के कई इलाके पानी में डूबे। कहीं प्रकृति का कहर तो कहीं प्रशासन की लापरवाही। कहीं भारी बारिश के कारण बाढ़। कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण जल भराव। बाढ़ और जल भराव से संकट में जिंदगी। कहीं सब कुछ बहा ले गया बाढ़ का पानी। कहीं मयस्सर नहीं तो जून की रोटी भी। हे भगवान, करें तो क्या करें। ये 8 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दहशत की तस्वीरें हैं। ये जनजीवन के एक झटके में बिखर जाने की तस्वीरें हैं। ये प्रकृति के कहर की तस्वीरें हैं
और साथ ही ये प्रशासन की लापरवाही और आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता की तस्वीरें हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके ये तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो केंद्रापाड़ा उड़ीसा की हैं। चित्तौतपला नदी में आई बाढ़ ने यहाँ के कई प्रखंडों में जनजीवन तबाह कर दिया। दिन खुले में और जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है। घर में जो कुछ भी था वो बाढ़ ले गई। अब सरकार से खैरात में जो मिल रहा है उसी को पूरा परिवार मिल बांट कर खा रहा है। पेट तो नहीं भर रहा है, हाँ इतने अनाज से सांसें चलती रहेंगी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। लोगों को राहत पैकेट बांटे जा रहे हैं। दो दिन हो गया हमारा रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें कुछ गांव है सर, इसमें गांव पूरा डूबा हुआ है। जैसे कि रतनपुर है, दसमानपुर है और ऊपर बटिका है। इसमें करीब 60-70 आदमी को हम लोग वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और रेस्क्यू के बीच में भी उनका जो आदमी वहाँ पे है, वो जो पानी भरा हुआ है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनको हम लोग को जो खाना पीने का जो सामग्री है, जैसे चूड़ा है और गुड़ है, कुछ ड्राई फ्रूट है, पानी है, ये सब लेके पहुँचा रहे हैं और वहाँ पे बांट रहे हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज चलिए और जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर संगम के किनारे बने पड़े हनुमान मंदिर की हैं। जरा देखिए, हनुमान जी का मंदिर गंगा के पानी में डूब चुका है। जिन्हें हनुमान जी के दर्शन करने हैं वो या तो दूर से ही दर्शन कर ले रहे हैं या फिर घुटने तक पानी में चलकर मंदिर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये जलभराव नहीं है, ये बाढ़ का पानी है। गंगा का जलस्तर ऊपर बढ़ने से गंगा का पानी संगम की दहलीज को लांघ कर हनुमान मंदिर तक चला आया। अब आपको राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आपने समुद्र का ज्वारभाटा नहीं देखा है तो झालावाड़ को छूकर गुजरने वाली कबली नदी के इस मचलते हुए पानी को देख लीजिए। ये लहरें डराने वाली हैं। चबली नदी के किनारे बसे लोगों के दिल में खौफ है, क्योंकि इन मचलती लहरों के कारण तेजी से कटान हो रहा है और कटान के कारण कब कौन सी इमारत गिर पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जरा राजस्थान के ही बरन जिले की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको नियाग्रा फॉल की याद आ जाएगी। जरा देख लीजिए ये तस्वीरें, राजस्थान के बरन से होकर गुजरने वाली सभी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के हालात ये हैं कि यहाँ का छीपा बड़ौद थाना पूरी तरह से बाढ़ के पंजे में है। अब आपको राजस्थान के कोटा में ले चलते हैं। घरों में पानी, मोहल्ले में पानी, बाजार में पानी, हर तरफ पानी ही पानी। जहां तक निगाह जा रही है बस पानी ही पानी। कोटा के लोग इन दिनों बाढ़ के इस पानी के साथ जीने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीम मदद तो कर रही है, लेकिन जितनी मदद चाहिए उतनी मदद नहीं हो पा रही है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है। अब आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान की ही धार्मिक नगरी करौली, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इस बोराई नदी की धार में कुछ ऐसी तड़प है मानो ये सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा हो। यहां हजारों परिवार अपना घर बार छोड़कर एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। करौली में बाढ़ की विभीषिका की ये दास्तान सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल यहाँ ऐसी ही बाढ़ आती है और हर साल ऐसा ही विनाश होता है, लेकिन प्रशासन कभी सबक नहीं लेता। कुछ दिनों में जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा, प्रशासन भी चैन की सांस लेगा और फिर पूरा शहर अगले साल की बाढ़ का इंतजार करेगा।
अब आपको राजस्थान के ही बूंदी जिले में बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ नवल सागर नवलखा झील का पानी शहर मोहल्लों और घरों तक पहुँच गया है। दुकानें बंद हैं, लोगों को खाने पीने के सामान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ले चल रहे हैं। कासगंज में गंगा का पानी खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है। धार तेज होने के कारण तटों पर कटान तेजी से हो रहा है। कटान को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। किनारों पर रेत के बोरे डाले जा रहे हैं और किनारे पर बसने वाले लोगों को जगह खाली करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।